पंजाब के मशहूर सिंगर शार्दुल सिकंदर का निधन हो गया है। वह 60 साल के थे। पंजाब में मोहाली के फोर्टिज हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। शार्दुल सिकंदर काफी समय से बीमार चल रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वह कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, तब से उनका इलाज चल रहा था। आज उनका देहांत हो गया। सिकंदर की मौत से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। पिछले दिनों किडनी में कुछ तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसी बीच वह कोरोना संक्रमित भी हो गए। इसके बाद से उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। शार्दुल ने कई पंजाबी हिट गाने गाए हैं। उनकी पहली एल्बम 1980 के दशक में आई थी। इस एल्बम का नाम था रोडवेज दी लॉरी। इसके बाद उन्होंने कई एल्बम निकाली और पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1999 में आई उनकी एल्बम हुस्ना दे मुल्को ने दुनिया भर में धूम मचाई। इस एल्बम की 5 मिलियन कॉपी भी की। गानों के अलावा कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है। पंजाबी फिल्म जग्गा डाकू में भी उन्होंने अभिनय किया था, जिसकी काफी तारीफ भी हुई। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।